आज का ये हमारा वीडियो है, ये आपको किसी सोशल लॉ से आप अवेयर करने के लिए नहीं है और ना ही आपको कोई आपके राइट समझाने के लिए है, जैसा मेरे बड़े भाई आज तक करते आए हैं इस चैनल पे। ये जो आज का हमारा वीडियो है, ये आपको प्रकृति से अवेयर कराने के बारे में है। जो प्रकृति हमें नेचुरल रिसोर्सेज देती है, उसका जो हम लगातार दुरुपयोग करते जा रहे हैं, उससे अवेयर करने के लिए है ये वीडियो। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसमें बहुत सारे जो महत्वपूर्ण रिसोर्सेज हैं, वो सभी लिमिटेड मात्रा में हैं। एक दिन सभी चीज़ों को अगर हम ऐसे ही दुरुपयोग करते रहेंगे तो इन्हें ख़त्म हो जाना है। लेकिन अभी हम ये चीज़ें समझते नहीं हैं, क्योंकि जब तक चीज़ें हमारे पास होती हैं, हम कभी भी उनकी कदर नहीं करते। तो हमें यही समझना है कि अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हमें प्रकृति ने दिए हैं, जो बिल्कुल फ्री हैं, गाँवों में वो बिल्कुल फ्री हैं, अब मैं समझ सकता हूँ शहरों में उनकी मात्रा कम हो गई है तो वो आपको पैसों में उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन गाँवों में फ्री हैं। तो फ्री होने के वजह से ही लोग इनका बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं। पहले के समय में जब समरसेबल नहीं हुआ करते थे तो लोग पानी को बहुत उसे मेहनत लगती थी पानी को नल में से निकालने के लिए, तो एक दो या तीन बाल्टी में पूरा घर धो लिया करते थे और नहाने के लिए भी पीने के लिए भी उतना ही पानी यूज़ करते थे जितनी उन्हें ज़रूरत थी। लेकिन आज के समय में लोग जब समरसेबल का टाइम आ गया है तो हमें शारीरिक श्रम तो करने की आवश्यकता रहती नहीं है, तो अगर हमें एक गिलास पानी चाहिए होगा तो हम 10 बाल्टी पानी बरान करते हैं। लेकिन इतना पानी वेस्ट होने के बाद भी हमारा कभी उस ओर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वो फ्री है, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कितना पानी वेस्ट हो रहा। और हमारी सरकार ने भी इस विषय में अभी तक कोई कानून या कुछ भी ऐसा नहीं लाया, क्योंकि जो हमारा कानून है, हमारा संविधान है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रकृति ने हमें नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए लोग इतनी लापरवाही बरत रहे हैं कि अगर एक एक घंटे लोग दो दो घंटे समरसेबल चले रहेंगे, लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, भैंसों को नहला रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, बहुत सारा पानी वेस्ट करते हैं और ये नहीं समझते कि ये एक दिन पानी बहुत कम मात्रा में है। जैसा आप सब अभी देखते आ रहे होंगे, न्यूज़पेपर में भी आता है, न्यूज़ में भी, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका लेवल बहुत कम हो गया है। पहले जो पानी होता था बहुत ऊपर रहता था वाटर लेवल, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत नीचे जा रहा है। और उसके साथ साथ अभी न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा हो चेन्नई में 1000 फुट तक पानी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि पानी के लिए स्थिति कितनी ख़राब है हमारे भारत में। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इस चीज़ को समझें। हम बहुत बार अपने आस पड़ोस में गांव में देख के नज़रअंदाज कर देते हैं कि पानी वेस्ट हो रहा है। लोगों के घरों में टंकी लगी हुई है, पानी एक बार ऑन कर दिया, टंकी भरने के बाद भी आधे आधे घंटे तक टंकी चली हुई है, पानी बह रहा है, लेकिन हम कभी उस चीज़ को गौर ही नहीं करते, नज़रअंदाज कर देते हैं कि चलने दो हमारा क्या जा रहा है। लेकिन अगर हम छोटे से इसी पॉइंट पे बात करें कि जो टंकी से पानी बहता है उसमें एक मात्र 80 रुपए की एक टैंक बेल आ जाती है, अगर हम उसे भी लगा दें तो हम एक महीने में भी 1000 लीटर पानी बचा सकते हैं। उसके बाद में बात करूं, अगर हमारे यहाँ पे कोई टंकियाँ लगी हुई हैं पानी की जो सरकार हमें उपलब्ध कराती है, उनमें से पानी बहता रहता, हम उसे भी नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हम फिर भी अपने जो भी हमारा प्रशासन है, हम वहाँ पे जाके एक बार कंप्लेंट करें और बताएं कि यहाँ से पानी व्यर्थ हो रहा है, तो वे उस चीज़ों को समेट लेंगे, उन्हें ठीक कर लेंगे, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। जब हम प्रकृति के दिए हुए रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं तो उन्हें संभालना समेटना भी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमें इस जिम्मेदारी को भी समझना होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि जैसे बहुत सारे लोग और भी हैं वो चीज़ें क्या करते हैं, अगर किसी चीज़ को सुधार रहे हैं तो उसमें कहेंगे कि भाई हमें पेटीएम कर दो या हमें कुछ मतलब डोनेट करो तो हम इन चीज़ों को सुधारेंगे। हम इन चीज़ों को नहीं सुधार पाएंगे इतना, क्योंकि मैं हूँ, अगर मैं इस मुहिम को उठाता हूँ तो मैं अपने पास की चीज़ें ठीक कर सकता हूँ, ये नहीं है कि मैं पूरे देश में पानी बचा लूँगा। तो मैं आप सभी से विनती करूँगा कि आप अपने सराउंडिंग में जितना भी हो सकता है उतना पानी बचाएं, वरना हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको पीने का पानी नहीं होगा। मुझे लगता है जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हो सकता है जो नालियों में गटरों में पानी बहता है उस पानी को फिल्टर करके आपको पीना पड़ेगा, इतनी स्थिति दुर्लभ हो जाएगी अगर आप अभी से पानी नहीं बचाएंगे। आप देख सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि अभी हालात बहुत अच्छे हैं पानी के, अभी भी बहुत स्थिति नाजुक बनी हुई है। जो पूरा हमारा जो वाटर है हमारी अर्थ पे अवेलेबल है, उसका आई थिंक 2 point something जो पोर्शन है वही पीने लायक है, आप समझ सकते हैं कितना कम है, उसे भी आप ऐसे डेली वेस्ट करते जा रहे हैं। तो हमें चीज़ों को समझना होगा और अपने पानी को धीरे धीरे अभी से सेव करना शुरू होगा, जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी लें। समरसेबल जब हमारा यूज़ हो गया टाइम से बंद कर दें, टैंक में अपनी बैल लगवाएं, 80 रुपए की आती है, कोई बड़ा खर्च नहीं है, उससे ज़्यादा हम बर्गर पिज़्ज़ा में वेस्ट कर देते हैं उतना पैसा, जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। और दूसरा पॉइंट जो मैं बात करूँगा पानी को बचाने के लिए भी, पेड़ जो है हमारे वो एक महत्वपूर्ण इसमें रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो जो रेन होती है या
पानी कहीं से आता है तो वो पानी को सोख लेते हैं और धरती में नमी बनाए रखते हैं, जिससे वाटर लेवल है जो पानी का ज़्यादा नीचे नहीं जाता और पानी को अपने अंदर सोख लेते हैं। और बहुत सारी और भी जो हमें सुविधाएं पेड़ प्रदान करते हैं, तो हमें पेड़ भी लगाने चाहिए, वो भी वाटर बचाने का एक बहुत अच्छा सोर्स है। और उसके अलावा अगर कहीं पर कोई टोटी बह रही है, कोई टोटी ख़राब हो गई है, वहाँ पर उसे थोड़े बहुत पैसे 50-100 रुपये खर्च करके वहाँ पर टोटी लगाएं, और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी अवेयर करें कि उन्हें पानी बचाना चाहिए, क्योंकि गांव के लोग इस चीज़ से बिल्कुल अवेयर नहीं है, बिल्कुल नहीं समझते, लेकिन पढ़े लिखे बच्चों को ये चीज़ समझनी चाहिए और पानी को बचाने के लिए जोर देना चाहिए। जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ इस चीज़ों को देखें, जहाँ भी समस्या है 100-50 रुपये जो भी उनसे खर्च बन सकते हैं वहाँ पर लगा के, कि कहीं टैंक बैल लग सकती है, टोटी टूटी हुई है, वो हो सकती है, इन सब चीज़ों पर गौर करें और पानी को बचाने में हमारा योगदान करें। धन्यवाद। और आपसे विनती करूँगा कि पानी बचाने का और भी कोई सुझाव है या कोई सजेशन है जिससे हम पानी बचा सकते हैं, या जो अब पानी डेली धीरे धीरे वेस्ट होता जा रहा है उससे बचने के लिए, जो भी आपके पास कोई सुझाव हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।